सबसे पहले हमें बीड पे क्लिक करके लिस्ट ऑफ बीड में जाना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है सर्विस बीड्स एंड आरए। सर्विस बीड एंड आरए पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा कैटेगरी के रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ टेंडर शो होगा, जिसमें हमें जो बीड पार्टिसिपेट करना है उसे हमें फाइंड करना है बीड और आरए नंबर से। टेंडर को सर्च करने के बाद हम क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट पर। जैसे ही हम पार्टिसिपेट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें टेक्निकल बीड सेव करना है और उसके बाद हमें क्लिक करना है ऑफरिंग प्राइस पे, जिस पे हम हमारा प्राइस ऐड करेंगे। प्राइस ऐड करने के बाद क्लिक करना है शो एस्टिमेट प्राइस, इससे हमें हमारा टोटल प्राइस हम कितना बीड करने वाले हैं वो हमें शो होगा। उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इंक्रिप्ट एंड सेव और ओके। प्राइस बीड सेव करने के बाद का पार्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जहाँ पे हम फर्स्ट अपलोड करेंगे OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। जिसमें हम हमारा सर्विस के रिलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद हम अपलोड करेंगे OEM टर्नओवर सर्टिफिकेट। उसके बाद हम सर्टिफिकेट से अपडेट करेंगे एज पर बीड रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम MSME सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिससे हमारा EMD एग्जिमशन हो जाएगा और हमें बीड में EMD पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अभी क्लिक करना है सेव पर। उसके बाद हमें क्लिक करना है जनरल टर्म्स कंडीशन पर और हमें अपना OTP वेरीफाई करवाना है बीड की टर्म्स कंडीशन के लिए। जैसे ही हमें OTP रिसीव होता है, हम OTP ऐड करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा बीड कंप्लीट हो गया है। हमारा बीड एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है वेरीफाई OTP एंड पब्लिश, और वहाँ पे ऑलरेडी एक PDF जनरेट हो चुका है जो हमें डाउनलोड कर लेना है।